शब्द का अवतार, तत् शब्द का अवतार। हिरण्याक्ष हर ले गया भूदेवी को पाताल, तब वराह अवतार में प्रगटे दीन दया। पापे दुष्ट असुर को मारा, फिर विजय स्वर में उपकार। एक दांत से भू को उठा कर ले आए प्रभु पुनः सतह पर, ले आए प्रभु पुनः सतह पर। Now the story of Narasimha Avatar is skipped. In Narasimha Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a dummy man from Milaya. जैसा कि अभी आपने देखा, भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और उसका विनाश कर दिया। लेकिन संसार के लिए खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसका भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मौत का बदला लेने को आतुर था। उसने देवताओं से बदला लेने के लिए अपने असुरों की सेना से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यप देवताओं से लड़ता, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उनकी मदद कर देते। ओ सत्यचारी, राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वह रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई अस्त्र उसे ना मार सके। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे और प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य के साथ भेज दिया। एक दिन गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और कहा, महाराज आपका पुत्र हम जो बढ़ाते हैं वो नहीं पड़ता है और सारा समय विष्णु के नाम में लगा रहता है। प्रहलाद के ना मारने पर हिरण्यकश्यप उसे चाप से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर अब शाही पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का चाप बंद कराने को कहा। विष्णु देवाय नमः, 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 विष्णु देवाय नमः। सच तो नहीं आती, हरि भक्त की बात नहीं आती। आज तो आज नहीं आती, हरि भक्त की लाज नहीं जाती। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद
साथ दूसरे शिष्यों को भी उसकी तरह भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सबसे सर्वशक्तिमान है। अब हिरण्यकश्यप को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन, तुम्हें भगवान से वरदान मिला है कि तुम्हें अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस वरदान को परखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु का नाम जपता रहता है और मुझसे सामना करता है। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि पर बैठ जाओ। होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली और कहा, जो आज्ञा भ्राता श्री। प्रहलाद कुछ भी ना कर पाए, होली का जल गई, अपनी सफल हुई, होली का जल गई, अपनी सफल हुई, आज ना उसको आए जगत में, आज प्रेम सगाए प्रभु से, आज प्रेम सगाए। जब आग बुझी तो प्रहलाद उस जली हुई जगह के बीच अभी भी ध्यान में बैठा हुआ था, जबकि होलिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब हिरण्यकश्यप भी घबरा गया। दुष्ट लड़का, क्या तू मुझे और मेरी जाति को खत्म कर देना चाहता है? ऐसा नहीं होगा। तीनों लोग के शासक मेरा नाम सुनते ही कांपते हैं। तो तुम क्या चीज हो? वरदान मैंने पाया है और तू कैसे जिंदा रहता है? बोल बोल, तेरी शक्ति का मूल कहाँ है? मैं आज ही उसे खत्म कर देता हूँ। बोल बेटा, मेरी भक्ति और श्रद्धा का मूल भगवान विष्णु है। कैसे मगर कैसे? तो बहुत ही अच्छी तरह दिखाई देते हैं वो।
elevates himself as a dwarf priest in this world. Once Guru Shukracharya made Demon King Bali perform 100 yaks. If his 100 yaks was completed, King Bali would be enthroned as Indra for eternity. Oh King, felicitations on completing your 99th yaks. If the remaining 100th yaks is performed unhindered, you will complete 100 yaks. Indra's throne will be yours forever. The demon empire will rule over all three worlds. Most certainly. To save creation from this danger, the Lord then assumed the form of armor and appeared as an arm-seeking rabbit boy in Bali's Yakshala. Hail to the king! Hail to the king! An arm-seeking boy is at the door. He desires arms from you. Oh king, the auspicious time of Yajna will pass. Oh sage, if a single boy which dissatisfied at my door, how can I commence my Yajna? Only when there is none who needs arms in my kingdom can I perform a Yajna. Oh king, I came to your door to ask for one thing as arms. Ask me for anything you want. I shall most certainly give it to you. Cows, gold, precious gems, rubies, a large house, prosperous villages, elephants, horses, chariots, ask for anything. I will fulfill your every wish. Oh king of anti-gods, I know you are the lord of this whole world. There is nothing in all three worlds you cannot give. So kindly give me the land that I can measure in three steps. I will be happy. Three footsteps of land? Yes. Land measuring footsteps of land? Yes. Oh, Brahmin, I am the enchanted ruler of all three worlds. I can get continents and islands at your feet. Ask me for so much that you never have to ask again in your life. Ask according to my capacity. I will fulfill all your desires. Does anyone fulfill all his desires in this world? The more one gets, the more greed one becomes. I ask for only 3 footsteps of land. All right, as you wish. Oh king, what are you doing? Here. If Lord Vishnu